यहाँ पर हमने नींबू लिया है। नींबू को रुखड़े जगह पर रगड़ लेते हैं ताकि नींबू जो है अच्छे से चिकना हो जाए। आप चाहे तो पत्थर पे भी रगड़ सकते हैं, पत्थर रुखड़ा होना चाहिए। नींबू को रगड़ने के बाद इसे हम पानी में धो लिए हैं। नींबू की मात्रा कम या ज़्यादा वो अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसे रगड़ सकते हैं। नींबू को हमने पानी में से छान लिया है, अभी इसे हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है चेंज हो गया है। पीछे वाले भाग को चाकू से कट करके हटा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कट करना है। हटाने के बाद अब हम इसे चार भागों में कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे नींबूओं को कट कर लिए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक जो है ज़्यादा डालेंगे, नमक से ही ये अच्छे से गलता है। सारे नींबू में हम नमक डाल दिए हैं, अभी इसे हम शीशे के जार में डाल देते हैं। नींबू का अचार शीशे के जार में ही डालें और ऊपर से नमक डाल देते हैं। दो से तीन नींबू निचोड़ देते हैं, इसे हम धूप में रख देते हैं गलने तक, तब ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा।